हेलो दोस्तों, हिंदी सिनेमा जगत के महान गायक मोहम्मद रफ़ी ने संगीत प्रेमियों को एक से बढ़कर एक नगमे दिए हैं जिन्हें सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत तुझे। दोस्तों, आज हम रफ़ी साहब के दर्द भरे गीत का जिक्र करने जा रहे हैं जिसे रफ़ी साहब ने गाया है। साल था 1957, फिल्म आई थी जन्म जन्म के फेरे रिलीज हुई। इस फिल्म के एक गाना था जरा सामने तो आओ छलिए, ने तो उस दौर में तहलका मचा दिया। ये गाना इतना सुपरहिट हुआ कि दोस्तों इस गाने का अनोखा किस्सा है। इस गाने को लिखा था पंडित भरत प्यासी जी ने। तो हुआ यूं था कि पंडित भरत प्यासी जी का एक बेटा था। एक दिन भरत प्यासी जी पर नाराज होकर बेटा श्याम सुंदर घर छोड़कर चला गया। भरत जी ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। वो बहुत निराश हो गए। उस समय भरत प्यासी जी करियर के बेहतरीन दौर से गुजर रहे थे। ऐसे में बेटे के अचानक चले जाने से जिंदगी ठहर सी गई थी। भरत प्यासी जी का किसी काम में मन नहीं लगता। निराशा के भरे इस दौर में एक निर्माता भरत जी से मिलने आए। उन्हें अपनी फिल्म में गाने लिखने के लिए निवेदन किया। भरत जी ने पुत्र वियोग में उस निर्माता को अपने घर से निकल जाने को कहा लेकिन उसी समय उनकी धर्म पत्नी वहाँ आ गई। उन्होंने निर्माता से माफी मांगते हुए निवेदन किया वह अगले दिन पुनर्भरत जी से मिलने आए। निर्माता मान गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने भरत जी से निवेदन किया कि पुत्र की याद में ही सही इस फिल्म के गीत अब लिखने चाहिए। पंडित भरत प्यास जी ने अपनी धर्मपत्नी के आग्रह को स्वीकार करते हुए गाना लिखना स्वीकार कर लिया और उन्होंने गीत लिखा जरा सामने तो आओ छलिए। इसे जन्म जन्म के फिल्म में शामिल किया गया। रफी साहब और अलदा जी बड़े ही दर्द भरे गले से गाया बहुत मस्त। आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हुआ। दोस्तों, अगर आप लोग इस गीत का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जहां से आप लोग आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को गीत कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।